हे गाइस, मैं आपका दोस्त प्रवीण गर्सा लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट गर्सा एजुकेशन पॉइंट पे, जिसमें हम चर्चा करते हैं हमेशा की तरह जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में और उसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आपके लिए। ये CISF और SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपका जो मॉक टेस्ट है वो है, तो इसमें आपकी प्रिपरेशन और शानदार होने वाली है। और जिन भाइयों की प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है वो अपनी तैयारी को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपका 30 में से जो स्कोर होगा वही आपकी तैयारी है। ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिसमें आप अपना कंपैरिजन देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि उनका भी स्कोर आप देख सकें उन्होंने इस पेपर में कितना स्कोर किया है। ये दोस्तों अब लेवल मीडियम से हाई लेवल की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। और अन्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई एग्जाम नोटिफिकेशन या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और जो भाई RRB ग्रुप डी या NTPC की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी पैरेलल सीरीज आपकी चल रही है, तो अपन चेक करेंगे आपकी तैयारी में है कितना दम। आइए चेक करते हैं, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका दोस्तों मॉक टेस्ट सेकेंड SSB और CISF मिनिस्ट्रियल के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस फर्स्ट पेपर का SSB का सेम है CISF से, तो दोनों का कंबाइंड ले रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा GK क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके RRB का जो पैरेलल चल रहा है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप मेरे से पहले आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा और अपने मार्क कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने सही होते हैं, और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेघदूत के लेखक कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, कालिदास। मेघदूत आपकी एक संस्कृत रचना है जिसके लेखक कालिदास हैं। कालिदास ने और भी किताबें लिखी हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वो भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका राइट आंसर है कालिदास। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? यानी प्राचीन काल में ये चिकित्सक थे सब, लेकिन इनमें से एक ऐसा जो चिकित्सक नहीं है। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी तीनों चिकित्सक हैं, जबकि चावार्क चिकित्सक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो गया चावार्क। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। तो बाबर की मृत्यु आपकी आगरा में हुई थी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, लाला लाजपत राय ने। तो मैं बता दूं, ये नारा दिया था आपको लोकमान्य तिलक ने, जिसको बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे? सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर, लाला हरदयाल। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन क्या आंसर टिक कराते समय को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो भी आपको बताता रहूँगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा जरूर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, नन ऑफ दीज। तो आपका जो लक्षद्वीप है वो दोस्तों अरब सागर में स्थित है, ये लक्षद्वीप श्रृंखला आपकी, छोटे छोटे टापू हैं। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। यहाँ यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि अब इसमें साफ पानी नहीं बचा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण ये प्रदूषित हो चुकी है कम्प्लीटली, तो इसे खुला नाला की संज्ञा दी गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्ण कटिबंधीय वनों से, वर्षा प्रचुर वनों से, पतझड़ी वनों से, शंकु वृक्षी वनों से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्रिकेट बैट में जो बैट के लिए विल्लो बनाया जाता है वो शंकु वृक्षी वनों से बनाया जाता है, जो J&K में पाए जाते हैं दोस्तों भारत में, तो वहाँ से आपके बैट के विल्लो बनाए जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन आपको देख के मज़ा भी आ रहा होगा। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलते हुए पानी से, गर्म पानी से, भाप से, पिघलती हुई बर्फ से। तो पिघलती हुई बर्फ तो यहाँ पे आपका क्रॉस हो जाएगा, बचे ये तीन। तो दोस्तों मैं बता दूँ, समान टेम्परेचर की भाफ और समान टेम्परेचर से उबला, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपसे भाफ और पानी दोनों का पूछे तो आपको भाफ ज़्यादा जलन देगी क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों,
इसलिए आपका राइट आंसर हो जाए, यहाँ हो जाएगा बाफ। एक्स किरणों का प्रयोग किया जा सकता है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों की खराबी का पता लगाने में, हृदय रोग का पता लगाने में, धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, जो बहुमूल्य पत्थर या हीरे होते हैं वो नकली हैं या असली हैं, उनका पता लगाने के लिए, उनकी खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों को यूज किया जाता है। एक्स किरणें हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज की जाती है। टूटी हुई हड्डी का जो एक्सरे निकलवाते हैं उसमें एक्स किरण यूज में ली जाती हैं दोस्तों। परमाणु न्यूक्लियंस बने होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और आइसोट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर परमाणु न्यूक्लियस यानी परमाणु नाभिक के बारे में पूछा है। तो दोस्तों नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो ये होते हैं बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है दोस्तों? तपाने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से, मंडल परिष्करण से। तो आपको तांबे को शुद्ध करने के लिए दोस्तों जो मेथड यूज किया जाता है वो है विद्युत अपघटन से, आपका तांबे को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस क्रिया में मदद के लिए किया जाता है? निसंदेन, स्कंदन, मृदुकरण, विसंक्रमण। तो यहाँ पर स्कंदन आपका राइट आंसर होगा। स्कंदन क्या होता है, जैसे जल में धूल मिट्टी के पार्टिकल मिक्स होते हैं दोस्तों, जैसे अपन फिटकरी डालते हैं जल में तो वो टोटल जो बारीक बारीक कण होते हैं वो नीचे पेंदे में जमा हो जाते हैं और साफ जल ऊपर आ जाता है, इसको स्कंदन कहते हैं। इसके लिए फिटकरी यूज में ली जाती है दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका NaCl। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक या टेबल नमक भी कहते हैं, जो अपने घरों में यूज लिया जाता है दोस्तों। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल जो हरे रंग का वर्णक होता है दोस्तों, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसमें कौन से वर्णक होता है दोस्तों? सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछते थे कि पर्णहरित में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल हो जाता है। लेकिन आप पूछा कि क्लोरोफिल में कौन सा खनिज का घटक पाया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम का घटक पाया जाता है दोस्तों। इस पेपर में अपन टोटल GK, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस को चेक करेंगे और बाकी जब क्लास में अच्छे खासे बंदे जुड़ जाएंगे उसके बाद मैथ और रीजनिंग की सेपरेट क्लासेस चलाएंगे और ये साथ साथ में चलती रहेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है जो अपन डायरेक्ट पे करते हैं दोस्तों? मनोरंजन कर, बिक्री कर, आय कर, उत्पाद कर। तो मैं बता दूं जो इनकम टैक्स दिया जाता है वो आपका डायरेक्ट कर है, बाकी ये सब इनडायरेक्ट कर हैं दोस्तों, जो आपसे डायरेक्ट नहीं वसूले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? जो सांसद चुनी गई है सबसे युवा सांसद, ये करंट JK का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चंद्राणी मुर्मू आपका राइट आंसर है। तो याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव में सबसे यंग सांसद जो हैं वो चंद्राणी मुर्मू है। ये अपने हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। निसंकोच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संदेह रहित, संदेह सहित, बिना संकोच के, संकोच के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निसंकोच यानी बिना संकोच के, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना संकोच के, कोई हिचकिचाहट के बिना, निसंकोच। अगला क्वेश्चन अपना हिंदी व्याकरण से पूछा है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ कि जिसका कोई शाब्दिक अर्थ, अन्य अर्थ निकले वो बहुव्रीहि समास होता है। तो चक्रपाणी का यहाँ क्या निकल रहा है? चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो वो कौन है? विष्णु। जिनके हाथ में चक्र होता है विष्णु, अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो इसका बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर होगा। वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी पुत्री गाती है, हमारे दोनों चाचा आए, सभी बच्चा व्यस्त है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हिंदी में के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चा व्यस्त है, ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। यहाँ पर इसका सही वाक्य होता सभी बच्चे व्यस्त हैं,
बच्चे आपका आता जबकि बच्चा दिया है तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है, यानी गाय का पर्याय वाची कौन सा नहीं है, धेनु, गो, सुरभि और मंदार। तो मैं आपको बता दूं, धेनु, गो और सुरभि तीनों ही गाय के पर्यायवाची हैं, मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। वीणा पाणी यानी पाणी हाथ होता है, वही चक्र पाणी वाला जैसा वीणा, जिसके हाथ में वीणा हो तो कौन है वो, कौन सी देवी के हाथ में वीणा होती है। दोस्तों सरस्वती के लिए वीणा पाणी का यूज किया जाता है दोस्तों, तो ये राइट आंसर हो गया आपका। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी ये कंप्लीट वाक्यांश के लिए एक शब्द अपन को लिखना है दोस्तों, वो कौन सा होगा, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो तो उसे क्या कहेंगे, खंडन, खंडित, खड़ग, हस्त, खाद्य। तो उसको खंडित कहेंगे, यानी जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो किसी चीज़ का, किसी मूर्ति का, तो उसे खंडित मूर्ति, खंडित वस्तु कहेंगे। आज का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो छिपाने योग्य हो, उसको क्या कहेंगे, ग्रह, गरिष्ठ, गंगोत्री, गोपनीय। तो जिसको छिपाने योग्य उसको गोपनीय कहेंगे, वन वर्ड है ये आपका हिंदी में। अगला है अपना लोकोक्ति और मुहावरे का अर्थ पूछा है इसने, कलेजा मुंह को आना, बीमार होना, बहुत दुखी होना, कलेजे में दर्द होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब बहुत दुखी होना दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ होता है। अपन मुहावरे करते रहेंगे हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको हिंदी इंग्लिश के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला पोर्शन से अपना पूछा ईडियम, यानी मुहावरा, ईडियम और फ्रेज, ये आपकी इंग्लिश में है लोकोक्ति वो मुहावरे। एन आयरन विल, ये आपको जैसे आपका हिंदी का मुहावरा था ऐसे इंग्लिश में मुहावरे होते हैं। एन आयरन विल, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ए यंग पर्सन, नन ऑफ दीज। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आयरन जैसी, लोहे जैसी विल पावर हो, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए ये आयरन विल यूज किया जाता है दोस्तों। ईडीएम अगला अपना लोकोक्ति मुहावरा है दोस्तों, एट द 11th आवर यानी 11वें घंटे में, इन ए ट्रबल टू हैव बिटर एनिमिटी, एट द लास्ट मोमेंट। तो दोस्तों एट द लास्ट मोमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, एट द 11th आवर लोकोक्ति मुहावरे का है कि बिल्कुल अंत समय में। अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, एंटोनिम्स ऑफ फेमस, आपको बता दूं एंटोनिम होता है आपका विलोम शब्द, फेमस क्या होता है दोस्तों, जो बहुत से लोगों के द्वारा जाना जाता हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, अननोन। लेकिन अननोन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप देखिए ऑब्सक्योर को ही अननोन कहते हैं, फेमस का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑब्सक्योर या अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, और फेमस होता है जो बहुत लोगों के द्वारा जाना जाता हो। सिनोनिम्स ऑफ एडवांस, सिनोनिम्स क्या होते हैं आपके, समानार्थक शब्द। एडवांस होता है जो प्रोग्रेसिव नेचर, प्रोग्रेस इन इन पर्पजफुल वे, पर्पजफुल वे में, या जो आगे की तरफ बढ़ने वाले वे में आपकी प्रोग्रेस की जाए, उसे एडवांस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट समानार्थक शब्द दिया आपका प्रोग्रेस। तो अब बारी आती है जो अपन ने कल क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसको, आप बहुत से लोगों ने उसका आंसर सही दिया था, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन था कल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत से बच्चों ने कमेंट में राइट आंसर दिया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉनिटर, जो एक इनपुट डिवाइस। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, और आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, मैंने शानदार सुंदर जमा जमा के लिखा है दोस्तों, तो आप इसका जवाब भी शानदार तरीके से देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी रेड प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को और मंगल ग्रह को। तो आपके कमेंट्स के इंतजार मैं कर रहा हूँ दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और कोई वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।